स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम, एयर कॉलम में स्टेशनरी वेव जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? किसी भी पाइप में जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी, हमने अब उसको डिस्कस करना है। स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम जो है ये दो टाइप्स की होती है, पाइप ओपन एट बोथ साइड्स एंड सेकंड वन इज पाइप ओपन एट वन साइड। तो पहले स्टेशनरी वेव हम करने लगे हैं इन एयर कॉलम ओपन एट बोथ साइड्स। साउंड वेव है या कोई भी वेव जो किसी पाइप में जा रही है और पाइप एक साइड से बंद है, दोनों साइड से ओपन है, दोनों साइड से ओपन है, हमने उस पाइप को डिस्कस करना है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पाइप है दैट इज ओपन एट दी बोथ हैंड्स। अब बोथ साइड ओपन पे, ओपन साइड पे याद रखिएगा हमेशा एंटी नोड होगा, ओपन साइड पे एंटी नोड होगा, इसका मतलब है दोनों साइड्स ओपन है तो दोनों तरफ एंटी नोड है। पाइप की लेंथ एल है, पाइप की लेंथ एल है और एंटी नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस उतना ही होता है जितना नोड से नोड तक का है, क्योंकि ये वन लूप बन रही है और वन लूप की लेंथ होती है लैम्डा बाय टू। तो इट्स मीन कि इसका जो फर्स्ट मोड होगा जिसे फंडामेंटल मोड कहते हैं, इसकी कैलकुलेशन सारी वही होंगी जो स्ट्रिंग वाली हैं। लैम्डा बाय टू इज इक्वल टू एल, लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपने फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में पुट की और आपके पास फ्रीक्वेंसी निकल आई वी बाय ट्वेल्व। इसमें ये वाला पार्ट जो है ये आपका नहीं होगा, ये हिस्सा इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पता है कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 332 होती है, या किसी और टेम्परेचर पे अगर फाइंड करनी हो तो वी नोट प्लस 0.61 टी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें वेलोसिटी का कोई इशू नहीं है, इसलिए वेलोसिटी का ये टेंशन वाला फार्मूला पाइप वाले में नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन वन आ गई, ये टू। सेकंड मोड में सिर्फ आपकी डायग्राम चेंज होगी, स्ट्रिंग वाली डायग्राम को चेंज कर देते हैं पाइप वाली डायग्राम में, दोनों किनारों पे हमने एंटी नोड रखना है, दरमियान में पूरी एक लूप और इधर भी एंटी नोड। तो ये पाइप हमारे पास जिसकी लेंथ उतनी है एल, और एक लूप ये है, हाफ ये है, हाफ ये है, इसका मतलब है ये टू लूप्स हैं और टू लूप्स में एक वन लैम्डा, और बाकी कैलकुलेशन सेम रहेंगी। ये इक्वेशन हमारे पास थ्री और ये फोर। थर्ड मोड में भी सिर्फ डायग्राम ही चेंज होगी, पाइप वही है, एक ओपन लूप इस साइड पे, मुकम्मल एक लूप अंदर, एक और लूप मुकम्मल और हाफ इधर। पाइप की लेंथ एल है और हाफ लूप और हाफ लूप, वन लूप ये टू एंड थ्री, थ्री लूप्स हैं, थ्री लूप्स में एक थ्री लैम्डा बाय टू। तो कैलकुलेशन इसकी भी सारी वही आ जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर फाइव, ये सिक्स। जनरल फार्मूला जो होगा वेवलेंथ का सेम है, फ्रीक्वेंसी का एफ वन का फार्मूला यहाँ पे आएगा वी बाय टू एल, सेकेंड टू एफ वन, थर्ड थ्री एफ वन एंड जनरल इज एफ वन इज इक्वल टू एन एफ वन, एंड दैट इज द स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम व्हेन बोथ साइड्स ओपन। इसके बाद ओपन एट वन साइड, ओपन एट वन साइड वाला केस करना है हमने। ओपन एट वन साइड में याद रखिएगा कि पाइप की एक साइड क्लोज्ड है, क्लोज साइड पे नोड होता है और ओपन साइड पे एंटी नोड। तो इसमें डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, ये नोड है, ये एंटी नोड है, पाइप की लेंथ एल है और नोड से एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय फोर होगा। इट्स मीन हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे लैम्डा बाय टू की जगह आएगा लैम्डा बाय फोर इज इक्वल टू एल, लैम्डा इज इक्वल टू फोर एल। ये फोर एल वैल्यू यहाँ पुट करें तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास आ गया वी बाय फोर एल। ये हमारा फर्स्ट मोड है।
फर्स्ट मोड के बाद सेकंड मोड है। सेकंड मोड में आपका पाइप जो है वो ये है, क्लोज साइड पे नोड और ओपन साइड पे एंटी नोड। कैलकुलेशन क्योंकि सारी बदल जाएंगी अब, तो हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। लेकिन इसमें याद रखिएगा, वन साइड ओपन वाले पाइप में हमारे जो मोड हैं वो ऑड नंबर में चलते हैं, 1, 3, 5, 7 इस तरह से, अंदर सारे होल नंबर शामिल नहीं है। तो सेकंड मोड जो है इसमें एन की वैल्यू 3 होती है। क्यों होती है वो भी जब प्रूफ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये नोड है, ये नोड से एंटी नोड तक लैम्डा बाय 4, ये भी लैम्डा बाय 4 और आगे ये भी लैम्डा बाय 4। तो इस तरह हमारे पास टोटल लेंथ जो आ रही है वो है 3 लैम्डा बाय 4। मोड सेकंड है लेकिन एन की वैल्यू इसमें 3 होगी, 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल, लैम्डा इज इक्वल टू 4L/3, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/लैम्डा, लैम्डा की ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो फ्रीक्वेंसी विल बी V/4L/3। ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3V/4L, V/4L इक्वेशन 2 के मुताबिक F1 के इक्वल है, तो F3 इज इक्वल टू 3F1। अब अगर हम इस मोड में यहाँ 2 लिख देते, यहाँ 2 आ जाता तो फ्रीक्वेंसी के साथ भी 2 आना था, तो हमारा ये फार्मूला बनना था F2 इज इक्वल टू 3F1, जिसको हम जनरल नहीं थे, जनरल फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, तो इसलिए इसमें मोड जो है वो ऑड नंबर में चलेंगे। थर्ड मोड में एन की वैल्यू 5 है, तो ये हमारे पास लैम्डा बाय 4 ये हमारे पास हो गया 5 लैम्डा बाय 4। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आएगी 4L/5, ये 4L/5 यहाँ पुट करें इस जगह पे 4L/5, 5 पहले आ गया तो V/4L जो है वो F1 के इक्वल है, तो F5 इज इक्वल टू 5F1। तो ये हमारे पास आ गया तीसरा मोड जिसमें एन की वैल्यू 5 है। वेवलेंथ की जनरल फॉर्म होगी लैम्डा 1, ये लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4L, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4L, लैम्डा 3, लैम्डा 1 के बाद लैम्डा 3 है, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 4L/3 एंड लैम्डा 5 इज इक्वल टू 4L/5 एंड लैम्डा n इज इक्वल टू 4L/n, n की वैल्यूज इसमें ओड चल रही हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन ओड नंबर में। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी F1 इज इक्वल टू V/4L, ये V/4L, F3 इज इक्वल टू 3F1, F5 इज इक्वल टू 5F1, Fn इज इक्वल टू NF1, n की वैल्यूज 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये फंडामेंटल, ये जनरल इक्वेशंस हमारे पास लैम्डा की और फ्रीक्वेंसी की आ गई।